हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासिकल थ्योरीज के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने हेनरी फेयोल के बारे में बात करी थी। आज हम लोग अपनी आखिरी क्लासिकल थ्योरी करेंगे, जो कि है अबाउट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल गिवन बाय मैक्स वेबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो हम जनरली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ सुनते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, सारा हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी को अगर हम एक नॉर्मल दैट इज़ ऑपरेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू फॉलो रूल्स, वही काम हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। IPS IAS वगैरह का वही काम होता है। अब हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर ने क्या किया। वेबर का बोलना यह था कि जो हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच थी या ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी पहले, उसमें क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरिज्म होता था। पर्टिकुलरिज्म आज के टाइम में हम उसे फेवरिज्म बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को या इंडिविजुअल को फेवर किया जाता है, अच्छे काम दिया जाए, ज़्यादा पे देने दे दिया जाए उन सब के लिए। तो उसके अगेंस्ट था वेबर, और वेबर ने बोला था कि जब तक हम इस पर्टिकुलरिज्म को नहीं हटाएंगे, हम अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकते। तो वेबर के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वेबर के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग करने में लिखना कि मार्क्स वेबर अगेन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब वो काफ़ी यंग थे, और उन्होंने अपने सामने ही देखा था, जैसे कि टेलर और फेयोल के केस में भी था। इन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोचा और मैनेजमेंट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने का सोचा। ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जो 1864 में बॉर्न हुए थे। उसके अलावा वेबर से पहले मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन वर बेस्ड ऑन पर्टिकुलरिज्म या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पर्टिकुलरिज्म यहाँ पे डिफाइन कर देना, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देना एग्जांपल के साथ, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड इस पर्टिकुलरिज्म को ही वेबर ने देखा कि जब तक हमें ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ नहीं बढ़ना, उतने हिसाब से ग्रोथ नहीं लेनी, अगर लेनी है तो हमें इस पर्टिकुलरिज्म को हटाना पड़ेगा एंड बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में वेबर ने सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें रखी, वो क्या क्या थी पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, और दूसरा, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का मतलब क्या था कि मेरा जो टॉप टू बॉटम पोजिशन वगैरह है वो सारी वेल डिफाइंड हो। कि जैसे कि आजकल जनरली होता है, टॉप पे CEO होता है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एंड मिडल में मैनेजर्स वगैरह आएंगे, एंड लास्ट में एम्प्लॉयज़ वगैरह। वैसे ही एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होना बहुत ज़रूरी है, एंड उन सब की अथॉरिटी वगैरह भी डिफाइन होनी चाहिए कि मेरे टॉप वाले की क्या है, मैनेजर्स की क्या है, एंड बॉटम वालों की क्या है। उसके बाद उसने बोला कि डिसीजन मेकिंग के रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न बाय रूल्स रहेगी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बेसिस पे वेबर ने तीन टाइप्स की पावर या डोमिनेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन में पाई। अब उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये तीनों कौन कौन सी थी? डोमिनेशन, करिस्मैटिक डोमिनेशन, ट्रेडिशनल डोमिनेशन, और थर्ड हम लोगों की आती है रैशनल या लीगल डोमिनेशन। तीनों को समझ लेते हैं। करिस्मैटिक डोमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी मेरा लीडर होता है वो अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से लीडर बना, एंड उसकी परफॉर्मेंस की वजह से जितने भी फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर लिया जा सकता है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि वो क्योंकि एक सर्टेन क्लास को बिलोंग करता है, इसलिए उसके पास पावर है। जैसे कि हम कांग्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं, राहुल गांधी सबसे कॉमन। एंड थर्ड में आता है रेशनल लीडर या फिर
रेशनल डोमिनेशन, बाय लॉ उसको पावर मिली है, बाय रूल उसको पावर मिली है, जैसे कि किसी भी कंपनी का सीईओ, या फिर जैसे कि अभी आरबीआई गवर्नर हम लोगों के चेंज हुए, तो वो एक तरीके के रैशनल डोमिनेशन का एग्जाम्पल है। अब वेबर ने क्या बोला कि जो मेरी डोमिनेशन वाली है, डोमिनेशन वाली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन का। ट्रेडिशनल वाली के तो वो पहले ही अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरिज्म वगैरह काफ़ी जल्दी आएगा, एंड ज़रूरी नहीं कि जो भी इंडिविजुअल आ रहा है उसके पास सारे स्किल्स है भी या नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग अभी कांग्रेस का ले सकते हैं, आज क्या हालत हुई है कांग्रेस की। इसलिए रैशनल लीगल डोमिनेशन इनके बेटर, इन सबके कंपैरिजन में बेटर है, एंड मेरा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में जाएगी। इसके बाद वेबर ने हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, अब उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड हायरार्की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सारी पोजीशंस को पहले ही डिफाइन कर दो, कंप्लीट स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसमें कि जो भी मेरी हायर पोजीशंस है वो लोअर वाली को सुपरवाइज करेगी, कंट्रोल करेगी। चेन ऑफ कमांड ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि कंप्लीट कंट्रोल रख सकूँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये सारे टर्म्स पूरे टाइम हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। पर्टिकुलर टास्क में एक्सपर्टाइज करवा दो, जैसे कि चाइना में हम लोग देख रहे हैं इस समय कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी वर्कर्स हैं उन्हें एक ही जॉब देते हैं, ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, टाइम सेव होता है, वो एफिशिएंट भी हो जाते हैं और इफ़ेक्टिव भी हो जाते हैं। थर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स रूल्स प्रोसीजर्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल सके करें वो सब पहले डिफाइन कर देने चाहिए। चौथा, कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ का, एंड उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पांचवा, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पर्टिकुलरिज्म वगैरह फेवरिज्म वगैरह को फॉलो नहीं करना, हु यू नो के बजाय वॉट यू नो के बेसिस पे प्रमोशंस होने चाहिए, हायरिंग होने चाहिए, जॉब असाइनमेंट्स होने चाहिए। एंड लास्ट इज़ रिकॉर्ड्स, सारी फाइल्स एंड एक्टिविटीज़ ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड मैनेज करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो ये था अबाउट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। हम लोगों ने तीनों मॉडल पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच, उसके बाद हम लोग गए मैनेजरियल, एंड लास्ट में ब्यूरोक्रेटिक। जो साइंटिफिक वाली थी वो मेरी काफ़ी माइक्रो पे थी। देन हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा, जो मैनेजरियल थी थोड़े ऊपर लेवल पे गई, एंड लास्ट में ब्यूरोक्रेटिक वाली जो सीधा सबसे ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है एंड सबसे बड़े लेवल की बात करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ये मैंने 4 वीडियोस में कवर किया है, जिसमें मैंने सारी क्लासिकल थ्योरीज कवर करी है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड बाकी हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।